फिलहाल अपना लंच हो गया यहाँ से, तो शात्रु यहाँ से कोई 50 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटे की दूरी पर। बोर्ड लगा हुआ था एक शात्रु का, उस पर लिखा हो 27 किलोमीटर, तो इसका मतलब कोई पौना घंटा, कोई 45 मिनट, 1 घंटा ही लगेगा यहाँ पहुँचते हुए। तो ये सामने ऐसा कुछ दिखता है, वो जो ऊपर वाला रोड जा रहा है वो चला जाएगा सीधा मचेल माता की तरफ, यानी कि गुलाबगढ़ रोड। ये भी काफ़ी डेवलप्ड है। से आप निकलते हो तो तकरीबन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है किश्तवाड़ तक। अभी नीचे उतरते मुझे एक बड़ा प्यारा सा मंदिर दिखाई दिया ऊपर से, बिल्कुल ब्रिज के साथ ही है ये, आपको शात्रु रोड में मिलेगा। तो थोड़ी देर बाइक लगाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। फिलहाल बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, तो चलते हैं अंदर, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल इस मंदिर के बाहर मैं खड़ा हूँ अभी, तो अंदर मैंने कोई कुछ चीज़ें पढ़ी यहाँ पे। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये आ रही है चंद्रा, और इसी के यहाँ से राइट से आ रही है ये बागा, तो यहाँ पे आके इसका संगम होता है, तो फिर ये बन जाती है इसके आगे चंद्रबागा इस कॉर्नर से। तो बीच में एक ये आपको शिला दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में भी कोई महानता है यहाँ पे, हिस्ट्री है इसकी। तो फिलहाल द्वारा आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। इस मंदिर का नाम है जय श्री नील गंगेश्वर, तो इसके बारे में भी अंदर लिखा हुआ है, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, पढ़ सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे वही बताया हुआ है चंद्रबागा, वो यहाँ पे आके मिलती है चंद्र और बागा के, फिर चिनाब रिवर बन जाती है संगम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ गुदान वाली शिला, जो बीच में मैंने आपको दिखाई वो सेंटर में है। तो मंदिर के नीचे कुछ ऐसा कुंड है, बाहर से रास्ता बंद किया गया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और अंदर से मंदिर कुछ ऐसा है, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग है। तो फिलहाल ये बड़ा ही प्यारा मंदिर है, हिस्ट्री भी है, उसके ऊपर लिखा हुआ था, आपको दिखाया भी मैंने। तो यहाँ पे आके जो चंद्र और बागा मिलके चंद्र बागा बनती है, तो फिर इसका नाम चिड़ाब भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ इसके, ये कुछ ऐसा बागा नदी यहाँ से आ गई, और ये आ गई चंद्रा, बन गई चंद्र बागा। फिलहाल यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, रास्ता बंद है, करते हैं वेट। अच्छा सिंगल लेन है थोड़ी सी, रास्ता टाइट है, तो आमने सामने हो गई हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे एक आर्मी चेक पोस्ट आई थी, तो जगह मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा कौन सी है, तो यहाँ पे भी वो एज ए ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न मेरी एंट्री हो गई, बाइक नंबर, मेरा नाम, रेजिडेंस और मोबाइल नंबर। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर जब भी आप कभी आते हो यहाँ पे आकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है। तो टाइम नोट कर लिया कितने बजे मैंने एंट्री करा और बता दिया मैंने कहाँ जाना है, तो बस इतना ही है। तो फिलहाल यहाँ का ये व्यू है सामने, ये आ रही है चंद्रा, अब इसको चंद्रबागा नहीं कह सकते, ये चंद्रा आ रही है। फिलहाल मैं पहुंचा हूँ अभी डेड पेट, जगह का नाम है। तो यहाँ पे रास्ता रोका हुआ है, आगे काम लगा हुआ है, तो ये बाइक अपनी सेफली पार्क कर ली है मैंने इस साइड पे। तो इसके आगे पत्थर ऊपर से कटिंग कर रहे हैं पहाड़ों की, जब से ही साफ़ सफाई होती है तो फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ये रहा कुछ यहाँ का व्यू, ये रहा कुछ ऐसा व्यू यहाँ पे जो कटिंग हो रही थी काम की, यहाँ से अलग ही नज़ारा है। सामने जो जो ऊंचे पहाड़ दिखा रहे हैं बस वहीं पे है सिंथन टॉप, कुछ वो ऊपर वाली चोटी है जो बादलों से गिरी हुई है, तो वहीं कहीं है सिंथन टॉप। जितना पास जाते जाऊँगा उतना पास दिखता जाएगा मुझे। फिलहाल अभी मैं पहुंचा हूँ मुगल मैदान एरिया में, इस पूरी एरिया को मुगल मैदान कहा जाता है। तो यहाँ की कुछ ऐसी खूबसूरती है, ऊपर
पहाड़ों के ऊपर बादल पूरे छाए हुए हैं, आपके सामने ही दिख रहा है पूरा चारों तरफ। तो गर्मी भी बड़ी तबाही में जा रही है, तो फिलहाल थोड़ा ठंडा मौसम मिलेगा ऊपर जाके। यह है कि जगह जगह काम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी देरी लग रही है पहुंचने में। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं शात्रू में, तो अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ, मेरे को एक फ्रेंड से मिलना है यहां पे पहले, तो फ्रेंड से मिलके तो फिर यहां से निकलता हूं मैं। अगर स्टे करना हो स्टे करूँगा, नहीं तो निकलूँगा यहाँ से। तो कुछ ऐसा था शात्रू एरिया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया था, फ्रेंड से मिल लिया मैंने, तो यहाँ पे स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो ऐसे ही हमें टाइम वेस्ट करना अपना, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ। तो थोड़ा ही रह गया यहाँ से सिंथन टॉप, तो सिंथन टॉप के रास्ते में जैसे सीनारी आता है, जो व्यूज़ आते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। तो फ़िलहाल एक दो प्लान है मेरे, यहाँ तो डकसुम में रुक जाऊँ, तो या फिर अगर दिन में पहुँच गया हूँ तो आगे एक मरगन टॉप आता है, वो भी क्रॉस करके सीधा वारवन वैली में, वहीं पे जाके स्टे कर लूँ। तो कुछ ऐसा मेरा प्लान है, तो देखते हैं मौसम के हिसाब से और दिन के हिसाब से मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। तो मिलते हैं आपको आगे फिर से। सिंथन टॉप की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ये कुछ बीच में ऐसा व्यू आता है, छोटे छोटे गांव हैं, बस वही धान की खेती या फिर मक्की की खेती यहाँ पर होती है ज़्यादा। ये रहा सामने, बस इन्हीं पहाड़ों के पीछे आ गया सिंथन टॉप, वो सामने जो दिख रहा है बस वही है सिंथन टॉप। जैसे कि अभी दो दिन लगातार बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे 44 है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, वो बंद है, तो इसलिए मैक्सिमम टूरिस्ट जो है श्रीनगर टू जम्मू इसी एरिया से होके आ रहे हैं सिंथन टॉप क्रॉस करके। चलो इसी बहाने वो लोग जम्मू की इस जगह को एक्सप्लोर कर लेंगे, वरना कहाँ मौका मिलता है किसी को इस एरिया में आने का, स्पेशल तो कोई आता ही नहीं है। तो फिलहाल मैंने वही इनिशिएटिव लिया कि अगर आप आते हो तो इस जगह को भी एक्सप्लोर करो, ये भी काफ़ी अच्छा एरिया देखने के लिए, बड़े बड़े मीडोस हैं यहाँ पे, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं। बाकी सब आपके सामने ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ आते हो कि नहीं आते हो। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये जगह दिखाऊँ, एक्सप्लोर करूँ जम्मू में कितनी अच्छी खूबसूरती भी है। जब कभी कोई नेशनल हाईवे श्रीनगर का बंद होता है तो आप इस तरफ भी आ सकते हो। एक चेक पोस्ट हो रहा था रास्ते में, वहाँ पे भी सेम रूटीन, नाम नंबर मोबाइल नंबर लाइसेंस नंबर, तो वीडियो तो आपको पता ही, खैर मैं इन जगह की बनाता ही नहीं हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न होता है, तो अच्छा बनाना भी नहीं चाहिए। तो एंट्री वगैरह करवा दिए, तो फिर से निकल गए हैं सिंथन टॉप की ओर। तो आप लोग भी अगर आएँ तो प्लीज़ ऐसा ही करें, वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। तो ये कुछ यहाँ से ऐसा व्यू दिख रहा है, जैसे कि G&K पुलिस हो गई या फिर इंडियन आर्मी हो गई, इन लोगों की वजह से ही हम लोग सेफली इन रोड्स पे निकल पाते हैं। ये लोग हैं तो हम लोग सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं इतनी दूर तक निकल आया हूँ आप लोगों को अपना जम्मू दिखाने के लिए, तो पीछे में मैंने कुछ वीडियोज़ डाली थी, आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो ना, लाइक कर रहे हो ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तो बता दो आपको कि अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कुछ अच्छा करूं और, या फिर इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करके कहीं और निकलूं, ताकि मुझे भी दिमाग में आए कि आप क्या देखना पसंद करेंगे वीडियोस में। फिलहाल ये व्यूज़ तो आप मिस नहीं कर सकते, जो व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ 100% तो दे रहा हूँ मैं वैसे भी, बट क्या बता गया 100% जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी सेम मुझे वही भद्रवाह वाली फीलिंग आ रही है, जब से मैं कल पदरी वाली साइड गया था तो सेम वैसा ही रोड है, वैसे ही घने जंगल हैं, क्योंकि सारी ये देवदार वाली लाइन है तो सेम ही रहेगी। एक सिंथन टॉप के आसपास कोई एक आलू फार्म आएगा, पोटैटो फार्म, अभी कोई 2-3 साल पहले ही वहाँ पे पोटैटो की खेती शुरू हुई है, तो 1-2 महीने पहले वहाँ पर सिंथन फेस्टिवल भी हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था, उस टाइम पे मैं कवर नहीं कर पाया सिंथन फेस्टिवल। तो आई होप कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वो ज़रूर कवर करूँगा सिंथन फेस्टिवल, काफ़ी अच्छा होता है,
वो इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और साथ में J&K एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, दोनों मिलकर करवाती है वो सिंथन फेस्टिवल। थोड़ा मौसम भी ठंडा हो चुका है क्योंकि सूरज ढलने वाला, सनसेट हो रहा है पहाड़ों के पीछे, तो मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है। नहीं तो दिन को आज बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी, बड़ी बुरी हालत थी आज। फिलहाल मुझे एक चीज़ याद आई, कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं अपने साथ खाने का सामान रख लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह या फिर चॉकलेट वगैरह, फिर वो क्या करते हैं रास्ते में चलते चलते बच्चों में बांटते हैं। तो अब वो उन बच्चों को ये हो गया कि वो मांगना शुरू कर चुके हैं लोगों से, कोई भी बाइकर या गाड़ी वाला निकलता है उनको रोकते हैं और खाने के लिए मांगते हैं, कभी कभार पैसे मांगते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप जब भी अब राइड करें या ट्रैवल करें तो ये चीज़ सब देना वेना बंद कर दें, व्यूज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये गलत चीज़ है। ये रही पहली झलक सिंथन टॉप की, ये पूरा रास्ता बीच में कट कट होते हुए वो सामने ऊपर रहा सिंथन टॉप, और वहाँ पर पहुँचना है अभी, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। तो वहाँ से भी नीचे का व्यू आपको मैं दिखा दूँगा कैसा दिखता है। तो निकलते हैं फिलहाल जल्दी यहाँ से, मौसम ख़राब होने वाला है ऊपर। फिलहाल सिंथन टॉप जाने से पहले मुझे कुछ बाइकर्स दिखे यहाँ पे, तो टू बाइक्स यहाँ पे लगी हुई थी, वन ऑफ द बाइक जो थी उसका टायर पंक्चर हो रखा था। तो पंक्चर होने के बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल पर्सन देखे ये भाई साहब, तो क्यों ना मुझे यहाँ पे थोड़ा रुका जाए, इनको थोड़ा हेल्प करा जाए, क्योंकि अकेले थे। फिर जब मैंने इनसे बातचीत करी तो ये बताने लगे कि इनके साथ दो बंदे हो रहे हैं, लगा मुझे इनकी हेल्प करके। तो इवन कि मैं भी सोलो राइड पे हूँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो शायद ऊपर वाला मेरे लिए भी कोई हेल्प भेज दे। कल इनसे विदा लेते हैं, तो इनको मिलते हैं सिंथन टॉप पे ही, ठीक है सर? ओके, फिर मिलेंगे आपको रास्ते में अगर फिर से कुछ होता है तो, इवन कि होना कुछ नहीं चाहिए तो अच्छा से सफ़र रहना चाहिए। तो मिलता हूँ आपको सिंथन टॉप में फिर मैं, हाँ। फिलहाल हम वहाँ पे सिंथन टॉप में रुकते हैं थोड़ा, वहाँ पे करते हैं चाय कॉफ़ी वगैरह अगर मिलता है कुछ तो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है सर? ओके बाय बाय। तो बाय कह दिया मैंने भाई लोगों को, तो सिंथन टॉप के लिए निकलता हूँ। कम से कम 1 से 1.5 घंटा इनके पास ही रहा, इनकी थोड़ी हेल्प करी तो मुझे भी अच्छा लगा हेल्प करके। तो अभी मैं सिंथन टॉप के लिए निकल गया हूँ, मौसम ठंडा हो रखा है काफ़ी, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा आज का प्लान था वारवन वैली में जाने का, तो मेरा थोड़ा टाइम यहीं पे हो गया, तो आज कोशिश करेंगे दक्सुम में रुकने की, वहाँ पे भी कैंपिंग साइट्स हैं रहने के लिए है, तो कैसा रहता है वहाँ पे वो आपको दिखाते जाऊँगा साथ साथ में। फ़िलहाल सिंथन टॉप तक पहुँचते हैं। फ़िलहाल ये रहा वो एरिया जहाँ पे सिंथन फेस्टिवल होता है, तो कुछ ऐसा ग्राउंड दिखता है यहाँ से। तो जब कभी सिंथन फेस्टिवल हो आपको पता चला तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है ऊपर से, तो यहाँ पे लैंड करवाते हैं इस ग्राउंड में, वो भी इस बार हुई थी फर्स्ट टाइम सिंथन टॉप में। तो फिलहाल कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, तो निकलते हैं अभी। ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आती है, तो फिलहाल इसको करते हैं क्रॉस। तो साथ में एक और ही आ गई साथ साथ में, ज़्यादा बड़ी तो है ही नहीं है, तो फिर भी पत्थर हैं तो निकल जाती है आराम से। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है वैली का, यह पूरी वैली आपको एंड तक दिखाई देगी। ये वही मैदान आ गया जो मैंने पीछे आपको दिखाया जहाँ पे सिंथन फेस्टिवल होता है, इसी मैदान में। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, बस इसी में ये लूप स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर 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 करते, जैसे जैसा आगे दिखता है मैं आपको दिखाता जाता हूँ साथ में। वो दूर अभी हाइट पे जाना है ऊपर, अभी मंजिल बड़ी दूर है, मौसम भी ऐसा ऐसा ख़राब होने लगा है। फिलहाल सिंथन टॉप क्रॉस कर लेते हैं, फिर मौसम कुछ नहीं कहता, यही मेन है, यहाँ पे मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ आओ हमारे जम्मू को एक्सप्लोर करो, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को, ये तो भगवान भोले बाबा की कृपा से लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 बंद है, तो इसलिए वो सब भी यहीं से आ जा रहे हैं इसी सिंथन टॉप से। तो कुछ लोग पीर की गली से आ रहे हैं, तो आने वाली वीडियोस में मेरा वो भी जगह रहेगा पीर की गली एक्सप्लोर करने का, वहाँ से निकलने का। इस बार मेरा जम्मू एक्सप्लोरेशन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरा इंटीरियर कश्मीर का रहेगा,
फिर उसके बाद मेरा लद्दाख का रहेगा। तो फिलहाल जम्मू वाला कंप्लीट करके फिर कश्मीर का वो मैं प्लान करूँगा कब करना है। ओ भाई साहब चेक करो व्यू, चेक करो सामने पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ, नीचे ग्रीन वैली सामने बर्फ वाली। ये पता नहीं कौन सा एरिया पड़ता है, वहाँ पे भी काफ़ी मीडोज हैं। आई थिंक सिंधन टॉप से दिखेगा कौन सी जगह है ये। बस इसके ऊपर अब सिंधन टॉप आ जाएगा, उसके पहले का ये लास्ट व्यू पॉइंट है जो हमारे जम्मू का एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे आपके सामने है, ये जितने भी सारे नाले ऊपर से बहते आ रहे हैं पूरे ग्लेशियर के साथ जमे हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बकरवाल कम्युनिटी के लोग ही दिखेंगे जो अपने माल मवेशी लेके अभी हाइट्स पे आए होते हैं चरवाने के लिए। तो सामने जितने भी सारे मीडोस हैं ये नीचे मीडोस, दूर सामने जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं बहुत सारे मीडोस हैं, वहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं, बस वही जैसे कम्युनिटी वाले लोग जो आए हुए अपना माल मवेशी लेके। तो बस थोड़ा ही रह गया सिंथन टॉप, आई थिंक आ ही गया। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, इतनी हाइट पे पहुँच के पूरा शरीर कांप रहा ठंड से, हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं, ग्लव्स हैं लेकिन गाड़ी रोकने का मन नहीं कर रहा। अब सीधा मन कर रहा कि सिंधन टॉप में ही ब्रेक लगाऊं, रास्ते में कहीं नहीं। और बीच में मुझे एक रेनबो भी दिखाई दे रहा है, शायद ही आपको गोप्रो में कैप्चर हो, अगर हो गया होगा तो अच्छी बात है, तो आप भी देख लो। तो मैं बता रहा था कि ब्रेक लगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आगे काफ़ी लेट हो जाऊँ सिंधन टॉप पहुँचने में। तो ग्लव्स तो पड़े हैं, विंड शीटर भी पड़ा हुआ है, वो भी बाद में देखेंगे। अब फिलहाल पहुंचते हैं सिंधन टॉप में, ये रहा वो रेनबो, शायद कैप्चर हो जाए इसमें। फाइनली 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 आखिरकार सिंधन टॉप भी कर लिया। अपनी खुशी मैं कैसे बयां करूं, पहली बार खुशी हुई थी जब मैंने खरदुंगला टॉप किया था, दूसरी बार जब मेरे घर बेटी हुई थी, थर्ड टाइम वैसी खुशी मुझे सिंधन टॉप करके हो रही है। क्या बोलूं, स्पीचलेस हूं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, क्या बताऊं आपको। तो कुछ ऐसा है सिंथन टॉप, तो ये रहा कुछ यहां से ऐसा व्यू, थोड़ा कैमरे में कैप्चर कर लेता हूं, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रखी है यहां पे, तो कैमरे में शूट करते हैं मोबाइल के। फिलहाल जिस रेनबो की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये रहा, हल्का सा बीच में से बादलों के बीच में से निकला हुआ है। तो ये कुछ 360 डिग्री व्यू है सिंधन टॉप से, ये रहा, बहुत खुशी हो रही है मुझे। काफ़ी ठंड भी है, हवा चल रही है, हल्की हल्की बर्फ भी है अभी बची हुई है। तो ये कुछ ऐसा एरिया था जहाँ से मैं आया था। फिलहाल क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बस अच्छा लग रहा है मुझे, इतना ही है। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर और ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट भी ज़रूर कर देना, अगर नहीं भी पसंद आई फिर भी कमेंट कर देना क्या पसंद नहीं आया। तो फिलहाल कुछ ऐसा व्यू है, कुछ ऐसी हालत हो रखी है, ठंड काफ़ी है, स्पीचलेस, कोई वर्ड्स नहीं मेरे पास। तो ये रहे वो भाई लोग जिनकी मैंने रास्ते में हेल्प करी थी, तो ये भी फाइनली पहुंच ही गए हैं। तो थोड़ी देर करते हैं बातचीत इनसे, गपशप लगाते हैं तो आगे का देखते हैं क्या करना है। तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे, सोचा चाय वगैरह पी लूँ, तो सब कुछ बंद हो रखा है अभी, क्योंकि शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं। तो नीचे डक्सुम पड़ता है, हार्डली यहाँ से 32 किलोमीटर है, तो 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से। तो वहीं पे सोचते हैं स्टे करने के लिए, कुछ खाने के लिए, फिर कल की जर्नी देखते हैं कहाँ जाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, खाने का कुछ मिला नहीं, कुछ फ़ोटोग्राफ लिए भाई लोगों के साथ यहाँ पे, तो ग्लव्स वगैरह लगा लिए हैं, काफ़ी ठंड हो रखी है, तो ऊपर से रेन जैकेट भी डाल लिया है ताकि हवा पास ना हो जैकेट के अंदर से। तो निकलते हैं यहाँ से।
नाक भी जाम हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही बर्फ है, एक्टिविटीज़ करने के लिए स्लाइड्स वगैरह कर सकते हो आप यहाँ पे जब भी आते हो। अभी सारा कुछ बंद हो चुका है, ठंड लगी पूरी नाक को। फिलहाल जैसे जैसे डाउन में जाते जाएंगे थोड़ा बेटर फील होता रहेगा। तो सामने से सन पड़ रहा है, सूरज की किरणें आ रही हैं, तो आई होप आपको कुछ दिखेगा नहीं इसमें। तो अभी कैमरा बंद करते हैं, आगे जाके लगाएंगे। अगर आप में से किसी ने रोहतांग पास किया हो तो ये पूरा रोड आपको रोहतांग पास की याद दिलाएगा। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रोड है, तो ऐसे ही ढलान आती है जब आप रोहतांग टू मनाली के लिए वापस जाते हो, तो कुछ ऐसा रोड मिलता है, साइड पे बर्फ़ मिल जाएगी आपको। जैसे ये पास में ही बर्फ़ है, बिल्कुल पूरा रोड ऐसा ही है। तो ये ट्रक वाले भाई साहब भी आज कल यही वाला रूट अपना रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे 440 और नेशनल हाईवे 44 बंद है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। हाल टाइम हो रहा है अभी रात के 8:15, कुछ ऐसा रोड है और हल्की हल्की राइट आ रही है अभी भी। तो दक्षिण पहुंचने में कोई कम से कम 15 किलोमीटर का रास्ता, आधा घंटा लग जाएगा। और तो फिलहाल सोचा कि दक्षिण में ये आज स्टे करूं, क्योंकि रात को ज़्यादा सफ़र करना नहीं है, तो अगर कर भी लिया तो दिखाऊंगा क्या। तो सीधा आपको दक्षिण में ही मिलूँगा। होटल मिल गया तो थोड़ा रूम टूर करवाया तो मैं आपको, कुछ ऐसा सा रूम है। तो ये हिंदी सीट टॉयलेट, साफ़ सुथरा ही है, बट ये है कि गर्म पानी नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठंडे पानी से गुजारा करना पड़ेगा। तो कल मैं सुबह निकलूँगा यहाँ से वारन वैली, तो वापसी में देखता हूँ कहाँ पे रुकूँगा, डक्सू में या इसी होटल में या फिर कोई और होटल देखेंगे कल के कल। तो कल पूरा वारन वैली मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी मैं करूँगा थोड़ी रेस्ट, काफ़ी थक गया हूँ, तो सुबह ही मिलते हैं वो आपको।